गरिमा वाजपेयी, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चौपर से कांवड़ियों पर सीएम करेंगे पुष्प वर्षा। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर चौपर से सीएम कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे और मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी करेंगे, तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में निरीक्षण भी किए जाने की बात सामने आ रही है। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर में मेरठ पहुंच जाएंगे, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कुछ ही देर में मेरठ पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यह अहम खबर आपको बता दें, मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं। तो मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री, फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौपर से कांवड़ियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। तो चौपर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किए जाने की बात सामने आई है और थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, फिलहाल ये अहम खबर, मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी, जहां पर थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी करेंगे और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे और चौपर से यहां पर कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की जाएगी, पुष्प वर्षा की जाएगी और चौपर से कांवड़ियों पर सीएम करेंगे पुष्प वर्षा, फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं, तो मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना हुए हैं, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर, जहां पर थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे और सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, चौपर से कांवड़ियों पर सीएम पुष्पों की फूलों की बरसात करेंगे और सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं मेरठ से। राजू, कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर, क्या जानकारी है आपके पास, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए गरिमा, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में मेरठ पहुंचने वाले हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। दो जगह पुष्प वर्षा का उनका कार्यक्रम है, जहां पर वो पुष्प वर्षा करेंगे, एक NH-58 पर सिवाय टोल प्लाजा पड़ता है, वहां पर पुष्प वर्षा करेंगे। और उसके बाद मेरठ का ऐतिहासिक 1857 की क्रांति जहां से शुरू हुई थी, वो बैद्यनाथ मंदिर पर जो कांवड़िए हैं एकत्रित हो रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। कुछ ही देर में सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचने वाले हैं। प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर लिए, सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था कर लिए, ऊपर से ही चौपर से पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर की जाएगी। कुछ ही देर पहले कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ आने का मिला है और उसके बाद प्रशासन कुछ ही देर में तैयारियों में जुट गया। सबसे पहले प्रदेश के मुखिया पुलिस लाइन में पहुंचेंगे और वहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। उसके बाद सोमनाथ मंदिर और दोराड़ा टोल पर पहुंचेंगे, वहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। जी गरिमा, बिल्कुल, यानी फूलों की बरसात कांवड़ियों पर की जाएगी। अगर बात करें क्या कांवड़ियों में भी इस बात को जानने के बाद उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कांवड़ यात्रा की बात करें, कोरोना काल के बाद में इस बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, ऐसे में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं, तो क्या उत्साहित नजर है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री उन पर फूल बरसाने वाले हैं। जी बिल्कुल गरिमा, मेरठ के अगर कांवड़ियों की बात करें, जो मेरठ कांवड़िया पहुंच चुके हैं वो काफी उत्साहित है। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए पहुंचोगे, वे उत्साहित हो गए और वो अब अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे हैं। वो क्षण का इंतजार कर रहे हैं जिस समय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे और चौपर से उन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे जो हरिद्वार से जल भरकर मेरठ तक पहुंचे हैं, उनके पांव में छाले पड़ चुके हैं। लेकिन
वो अपनी निरंतर जो यात्रा है वो जारी रखती है और बाबा भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कह चुके थे कि इस बार की जो कांवड़ यात्रा है, पिछले 2 वर्षों बाद जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, वो काफी भव्य होगी और इस बार भव्य बनाने के लिए जो तमाम अधिकारी थे प्रशासन के साथ सबको निर्देशित किया गया था कि किसी भी कीमत पर कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, कांवड़ियों को यह एहसास ना हो कि वे उत्तर प्रदेश के बाहर है। उत्तर प्रदेश में इस बार कांवड़ यात्रा इतनी भव्य आयोजित की जाए कि उन्हें लगे कि प्रदेश का मुखिया कोई नहीं योगी आदित्यनाथ है। जी गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल राजू। और क्या कुछ खास इंतजाम कांवड़ियों को लेकर किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा है कई जगहों पर रास्तों में उनके भव्य स्वागत के अलग अलग तरह के इंतजाम किए जाते हैं, कई लोग फूलों की बरसात करते हैं, कई लोग उन पर पानी के फव्वारे डालते हैं, क्योंकि पैदल रास्तों पर चलते चलते उनके पैरों में छाले आ जाते हैं, बहुत से कांवड़िए पैदल ही सफर को तय करते हैं। क्या रास्तों में भी उनके आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर कुछ विशेष तैयारियां हैं? क्या जो आम जनता है वो भी यहाँ पर कांवड़ियों की ये यात्रा जो है ये सही हो, इसको लेकर कुछ इंतजाम किए गए हैं? जितने भी मेरठ के व्यापारी है, बड़े बड़े व्यापारी उनके लिए शिविर लगा रहे हैं, भंडारों को आयोजन कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था जो है व्यापारियों द्वारा की जा रही है। मेरठ के जो सम्मानित लोग है, चाहे वो मेरठ के प्रतिनिधि की बात करें, अगर मेरठ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी है वो खुद लगातार एक सप्ताह से कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और जो जितने भी कांवड़ शिविर पर पड़ रहे हैं वहां पर जा रहे हैं, कांवड़ियों से उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनकी जो समस्या है उनसे पूछ रहे हैं। और इस यात्रा में इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं और काफी सुलभ उनका ये जो सफर है वो हो जाए, इसको लेकर काफी तैयारियां की गई हैं। लेकिन सावन का आज दूसरा सोमवार है, आज का दिन विशेष महत्व रखता है खासतौर पर शिव भक्तों के लिए। क्या कांवड़ियों के साथ साथ शिव भक्तों का तांता भी देखने को मिल रहा है मंदिरों में, शिवालयों के बाहर क्या भगवान शंकर के जयकारे सुनाई दे रहे हैं? बिल्कुल गरिमा, में हम सुबह जो है के न्यूज की टीम सुबह भी जोगरनाथ मंदिर पर मौजूद थे। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, चाहे वो युवा हो, युवती हो, महिला हो या पुरुष हो, वो सभी बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए, जला अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में जला अभिषेक कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि बाबा भोलेनाथ मात्र जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं सच भी है, हकीकत भी है कि सभी देवी देवताओं में प्रदेश के बाबा भोलेनाथ जो है वो इकलौते ऐसे देवी देवता है जो मात्र जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं और यही मनसा जो है श्रद्धालु अपने मन में रखते हुए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, कपाटों में पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से मांग रहे हैं और बाबा भोलेनाथ भी काफी भोले हैं और बाबा भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जी गरिमा, बिल्कुल राजू, कितना वक्त शेष बचा है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, कितना वक्त शेष है उनके पहुंचने में? मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगभग 1:30 बजे का मेरठ पहुंचने का समय था, लेकिन किसी कारण अभी पहुंच नहीं पाए हैं, तो कुछ ही क्षणों में मेरठ पहुंचने वाले हैं और यहां से वो कांवड़ियों का पुष्पवर्षा करेंगे, कांवड़ियों को एहसास कराएंगे कि इस बार जो कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया काफी भव्य रूप से किया गया, उनका जो छोटे का मुख्यमंत्री है वो खुद उनके ऊपर पुष्पवर्षा करने के लिए जगह जगह पहुंच रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आज भागवत में पूरा महादेव मंदिर पड़ता है जहां पर रावण ने जल चढ़ाकर शिव जी महाराज को प्रसन्न किया था, उस जगह भी प्रदेश के मुखिया पहुंचे और वहां पर भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें एहसास कराया कि हाँ उत्तर प्रदेश में सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, कांवड़ियों के लिए निरंतर है, जो धर्म है, जो त्योहार है हिंदुओं के उनको लेकर काफी सजग है, किसी भी कीमत पर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। जी गरिमा,
बिल्कुल, यानी अभी थोड़ा वक्त शेष बचा है मुख्यमंत्री के पहुंचने में, जिसके बाद वो कांवड़ियों पर फूलों की बरसात करेंगे और कांवड़िए भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। राजू, बात करें, आपने कहा कि मंदिरों और शिवालयों के बाहर भी भारी भीड़ है, सभी चीजों को मैनेज कर रहा है स्थानीय प्रशासन। जानकारी ये भी है कि जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आज स्थानीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी कर सकते हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, निरीक्षण की तो कोई ऐसी जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी नहीं गई है। जिला प्रशासन द्वारा जो जानकारी दी गई है वो यही बताया गया है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ चोपर के द्वारा मेरठ पहुंचे के सबसे पहले वो पुलिस लाइन में पहुंचे के वहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद चोपर में सवार होकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए निकल जाएंगे। सबसे पहले वो ऐतिहासिक जो 1857 की क्रांति का प्रतीक है वो गणनाथ मंदिर, वहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे और उसके बाद सिवाया टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे और वहां पर जो कांवड़िया गुजर रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। जी गरिमा, बिल्कुल, यानी बताया जा रहा है थोड़ी ही देर का वक्त जो है वो शेष बचा है। राजू, मैं देख पा रही हूँ कि आप शिव मंदिर के बाहर ही मौजूद हैं। सावन का दूसरा सोमवार आज है और विशेष महत्व सावन के महीने में सोमवार का होता है। कांवड़िए भी कुछ मौजूद दिखाई देते हैं मुझे, आप अगर बात कर सकते हैं, कुछ संभव है तो आप बात करने का प्रयास कीजिए कि कितने उत्साहित हैं वो इस पुष्प वर्षा को लेकर, अगर संभव है तो जरूर। मंगलोर के नहर तक नंगे पैर आया था, मेरे पैर इस तरीके से जल रहे थे, बहुत तरीके से मुझे बता दे मैं क्या कह रहा हूँ, पैर इतना दुख रहा बहुत ज्यादा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए मेरठ पहुंचने वाले हैं, उसी समय में कैसा महसूस कर रहे हैं? राजू शर्मा के स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं सभी भोले भाइयों के लिए। देखिए, गरम भोले और मटर की चाय स्टॉल से के मुखिया है बहुत अच्छी बात है और बढ़िया है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद खुश और बिल्कुल बिल्कुल, यानी काफी उत्साहित कांवड़िए पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चौपर से कांवड़ियों पर फूलों की बरसात करेंगे मुख्यमंत्री, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, यह हम खबर आपको बता रहे हैं। और कुछ तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे थे जहां पर काफी उत्साहित है, हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है, कांवड़ियों से बात की है उन्होंने, जहां पर साफ तौर पर यह बात सामने आई है कि कांवड़िया आज इन सभी चीजों को लेकर उत्साहित है। सावन का महीना है और दूसरा सोमवार जो बड़ी संख्या में भक्त भी शिवालयों में पहुंच रहे हैं, मंदिरों के बाहर उनकी भीड़ दिखाई दे रही है और भगवान शंकर के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। राजू शर्मा हमारे साथ में, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजू, क्या कहना है कांवड़ियों का आज के इस दिन को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा करेंगे, अभी आपने बातचीत की? बिल्कुल, देखिए गरिमा, कांवड़ियों का साफ तौर पर कहना है कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ खुद पुष्प वर्षा करने हमारे ऊपर मेरठ पहुंच रहे हैं, ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है। और हो भी क्यों ना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रदेश का मुखिया जिले में सड़कों पहुंच रहे हैं और कांवड़ उस जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल, यानी थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। फिलहाल जैसा आपने बताया कि डेढ़ बजे का वक्त था राजू, अभी ढाई बजने से ऊपर हो चुका है, कितना और वक्त लग सकता है, क्या कोई जानकारी मिली है कि आखिर कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? देखिए, अभी जो जिला प्रशासन द्वारा है ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कितना समय लगेगा, लेकिन बताया गया था कि डेढ़ बजे
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे मेरठ, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए हैं अभी जिला प्रशासन द्वारा साफ नहीं किया गया है। बाकी कांवड़िया प्रतीक्षा कर रहे हैं आप प्रदेश के मुखिया की, प्रदेश के मुखिया मेरठ पहुंचेंगे, कांवड़िया करेंगे यहाँ पर भारी तादाद में। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में निरीक्षण भी करने की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूलों की बरसात करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में मेरठ पहुंचने की बात कही जा रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना होने की बात कही जा रही है। तो मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना होने की बात सामने आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौपर से कांवड़ियों पर फूलों की बरसात करेंगे और कांवड़िए भी इसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अहम खबर, कुछ ही देर में मेरठ पहुँचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चौपर से कांवड़ियों पर बरसात की जाएगी फूलों की। दो सालों के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, क्योंकि दो सालों में कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन अब जब शुरुआत हुई है तो भव्य स्वागत यहां पर कांवड़ियों का जगह जगह पर किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री यहां पर फूलों की बरसात इन कांवड़ियों पर करेंगे, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहां पर चौपर से फूलों की बरसात इन पर की जाएगी। तो फूलों की बरसात कांवड़ियों पर होगी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी करने की बात सामने आ रही है, तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में निरीक्षण भी करेंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। जहां पर मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना होने की बात कही जा रही है, तो मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहां पर निरीक्षण करने की भी बात सामने आई है। तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में निरीक्षण करने की बात सामने आई, कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चौपर से कांवड़ियों पर सीएम करेंगे फूलों की बरसात। तो चौपर से कांवड़ियों पर सीएम फूलों की बरसात करेंगे, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी करेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है, यह अहम खबर आपको हम बता दें। कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो कुछ ही देर में मेरठ पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, और मानसरोवर से चौपर में मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मेरठ में फूलों की बरसात की जाएगी कांवड़ियों पर, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम खबर आपको बता दें, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुछ ही देर में मेरठ पहुंच जाएंगे, कांवड़ियों पर फूलों की बरसात होगी। तो हमारे संवाददाता राजू एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजू, कितना और वक्त शेष बचा है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? राजू, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो
राजू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चौपड़ से कांवड़ियों पर सीएम वर्षा करेंगे फूलों की थोड़ी ही देर में, तो फूलों की बरसात इन कांवड़ियों पर की जाएगी। और आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते दो सालों तक नहीं हुई कांवड़ यात्रा, लेकिन अब जब कांवड़ यात्रा हो रही है तो लगातार यहाँ पर अलग अलग जगहों पर इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। और फूलों की बरसात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर करेंगे, जिसके लिए चौपड़ से रवाना होने की बात सामने आ रही है। कुछ ही देर में मेरठ पहुंच जाएंगे, फिलहाल यह जानकारी आपको बता दें, कुछ ही देर में मेरठ पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चौपड़ से कांवड़ियों पर सीएम करेंगे फूलों की बरसात। तो चौपड़ से कांवड़ियों पर सीएम फूलों की बरसात करेंगे, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मानसरोवर से चौपड़ में मेरठ के लिए रवाना होने की बात कही जा रही है, तो मानसरोवर से चौपड़ में मेरठ के लिए रवाना होने की बात सामने आई है। और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में निरीक्षण भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चौपड़ से कांवड़ियों पर सीएम फूलों की बरसात करेंगे। तो मानसरोवर से चौपड़ के से रवाना की बात होने की सामने आ रही है, मेरठ रवाना होने की बात कही जा रही है, और मेरठ में चौपड़ से कांवड़ियों पर फूलों की बरसात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर हम दिखाएंगे जहां पर पहुंचेंगे मेरठ और चौपड़ से कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मानसरोवर से चौपड़ में मेरठ के लिए रवाना होंगे, और यह हम खबर आपको बता रहे थे जहां पर हमारे संवाददाता राजू लगातार बने हुए थे और हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक